नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डर्मिकैम 85 डर्म क्रीम के बारे में। बात करेंगे क्या इसके यूज़ हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं, क्या इसके अंदर कंपोजिशन पाया जाता है, किस किस कंडीशन में डर्मिकैम 85 डर्म क्रीम का इस्तेमाल किया जा सकता है, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। दोस्तों डर्मिकैम 85 क्रीम की बात करें तो एल्केम फार्मास्यूटिकल कंपनी इसको बनाती है। दोस्तों बात करते हैं इसकी प्राइस की। दोस्तों प्राइस की बात करें तो 75 रुपीज़ की इसमें एमआरपी होती है, जो कि 15 ग्राम की पैकेजिंग में ये क्रीम आती है। बात करते हैं इसमें इंग्रेडिएंट की, कौन कौन से इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं। दोस्तों इंग्रेडिएंट की बात करें तो क्लोबिटासोल प्रोपियोनेट, न्योमाइसिन और किटोकोनाजोल और आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सी क्विनोक्लोनीन, ये इंग्रेडिएंट इसके अंदर पाए जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। डर्मिकैम 85 क्रीम का किस किस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके इस्तेमाल की बात करें, यदि आपको दाद वाली एलर्जी है या दाने हैं या सूखी एलर्जी है या आपके चेहरे पर दोस्तों फंगस है या आपके चेहरे पर खुजली है या आपके सीक्रेट पार्ट्स में कहीं पर खुजली है या दाद हैं या रिंग बॉम की शिकायत है या फंगस है, उन सभी को दूर करने के लिए दोस्तों आप इस डर्मिकैम 85 क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही बेस्ट क्रीम है ये। दोस्तों दांत खाज खुजली के मामले में यदि आपको दांत खाज रिंग बाम जैसी कोई शिकायत है तो आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। दोस्तों ये आपको कितनी बार इस्तेमाल करनी है, इस्तेमाल की बात करें तो आपको दोस्तों दिन में 3 बार आपको इस क्रीम का इस्तेमाल करना है। दोस्तों देख सकते हैं इस तरह की पैकेजिंग में ये आपको इसके अंदर क्रीम आती है। दोस्तों बहुत ही बेस्ट रिजल्ट है दोस्तों इस डर्मिकैम 85 क्रीम का, आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से उपलब्ध भी हो जाएगी। दोस्तों उसको इस क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले जहाँ पर आपके रिंग बाम की शिकायत है या दाने हैं खुजली है, उस पार्ट्स को साफ कर लें, उसके बाद इस क्रीम का इस्तेमाल करें। बात करें इसका साइड इफ़ेक्ट की, इसके ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जलन की शिकायत हो सकती है और त्वचा बारीक होने की शिकायत हो सकती है, रेडनेस की शिकायत हो सकती है, ये सारे सिम्टम आपको इसके इस्तेमाल करने से देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों इस क्रीम का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें, उसके बाद इस क्रीम का इस्तेमाल करें। धन्यवाद दोस्तों।